इतिहास का चैप्टर 4 कोलका 5 जिसको किसने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने। मैंने प्रेमचंद के बारे में पहले भी वीडियो डाल दी है, अगर आपको नहीं मिली तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेंगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। अकबर बादशाह मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है, किसने लड़ाइयां लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फतेह कर लिया था, ठीक है, यानी उसने बहुत सारा हिस्सा जीत लिया था। एक राजपूताना रह गया था, अकबर ने चाहा कि उसे भी फतेह कर ले और वहाँ पे भी सल्तनत करे, ठीक है, यानी अकबर ने चाहा कि उस हिस्से को भी जीत ले और वहाँ पे भी सल्तनत करे। ये इरादा करके राजपूताना पर फौजकशी की यानी अपनी फौजें उतार दी ताकि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। राजपूत अपने मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए, ठीक है, यानी लड़े तो बहुत बहादुर से लेकिन एंड में हार गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा, ठीक है, राणा प्रताप सिंह जो है अब वो जंगलों में छुप गए। अब यहाँ पे दूसरे राजपूत की बात हो रही है। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था, ये बड़ा बहादुर और जर्री था। बहादुर भी होता है ताकतवर, है ना, निडर, लड़ाई झगड़ा करने वाला, बिना किसी से डरने वाला, और जर्री मतलब भी बहादुर ही होता है। उसने कुछ लोग अपनी फौज में दाखिल कर लिए थे और उनको साथ लेकर लड़ा करता था। इसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुगल इसका नाम सुनकर घबरा जाते थे, ठीक है, यानी वो बहुत बहादुर था, कम लोगों में ही लड़ाई लड़ता था और जीत जाता था, ठीक है, और इसीलिए सब बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे उससे डरते थे, इसलिए कह रहे हैं ना मुगल भी उससे डरते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको पकड़ लें, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सकते, यानी वो एक जगह रुकते ही नहीं था जो उसे कोई पकड़ सकता, वो आज यहाँ कल वहाँ करता रहता था। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक लौता बेटा। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था, उसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन उसने ना तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया ना बीवी का, मुगलों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी छुपे से किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था, ठीक है, यानी कि वो लड़ने के लिए चला गया। अब लड़ने के लिए तो बहुत दिन तक बाहर रहना पड़ता है, इसलिए उसे अपने बीवी और बच्चों की जब खबर चाहिए होती थी तो अपने किसी आदमी को या सिपाही को भेजकर अपने बीवी बच्चों की खबर मंगवा लेता था। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फौज भेजी, मगर वो किसी के हाथ ना आया, ठीक है, यानी रघुपत सिंह जो थी उसको पकड़ने के लिए अकबर ने बहुत सारी फौजों को भेजा था लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बैठा दिया, यानी घर के बाहर अपने सिपाहियों को बैठा दिया कि जब भी वो आए उसे पकड़ लेना। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने को जरूर घर आएगा, ठीक है, यानी अपने बाल बच्चों से, यानी जो बच्चे हैं उसका, एक जो बेटा है बीमार उससे मिलने जरूर आएगा, बस इसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे, ठीक है, यानी उसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। उधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर दे दी थी कि तेरा बेटा, यानी उनको खबर दे दी गई, क्या दी गई, कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, यानी बहुत ज्यादा बीमार है और डॉक्टर ने कहा शायद मर जाए, है ना, घड़ी दो घड़ी का मेहमान मुहावरा है, उसको ही कहा जाता है जब कोई इंसान मरने वाला होता है, चलकर उसे देख ले। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया, सूरज डूब रहा था, जंगल में सफर करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने जरा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी ना देख सकूं, ठीक है, यानी उसे लगा कि अगर मैं अभी नहीं निकला तो मेरा बेटा मर जाएगा और उसे जो भी है दफनाना या जलाना कर दिया जाएगा तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाऊंगा, इसी वक्त चलना चाहिए, यानी उसने सोचा कि अभी के अभी निकलना चाहिए। रघुपत सिंह अपनी उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा, ठीक है, पहरेदार किसे कहा जाता है, जो दरवाजे पे खड़े होकर पहरा दे रहे होते हैं, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ, जरा देर के लिए मुझे अंदर चले जाने दो, अभी देखकर लौट आता हूँ, ठीक है, यानी उसने क्या कहा कि मेरा लड़का मर रहा है, मैं उसे देखने आया हूँ, मुझे जरा देर के लिए अंदर जाने दो, अभी उसे देखकर वापस आता हूँ, उस वक्त जो जी चाहे कर लेना, यानी जब मैं बाहर आऊँ तब जो जी चाहे कर लेना, अभी मुझे अंदर जाने दो, मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज ना बोलूंगा, यानी कि मैं राजपूत हूँ इसलिए मैं झूठ कभी भी नहीं बोलूंगा। उस पहरे वाले सिपाही ने कहा, देख आओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है, ठीक है, यानी बीमारी से वो बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है, यानी उसको फिक्र है। मियाँ को देखकर बीवी की धराज बनी, यानी कि उसे हिम्मत मिली।
रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताई, यानी कि दवाई कैसे देनी है, किस टाइम पे देनी है, वो सब उन्हें बताया। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। यानी वो सिपाही से कह आए हैं कि अभी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ कैद होने के लिए। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकता। ठीक है, यानी बीवी ने क्या कहा कि दूसरे दरवाजे से चले जाओ ताकि वो सिपाही तुम्हें ना देख पाए, लेकिन रघुपत ने क्या कहा, नहीं मुझसे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसी दरवाजे से वापस जाऊंगा, मैं कॉल दे चुका हूँ, यानी कॉल दे चुका हूँ, वादा कर चुका हूँ। ठीक है, कहते ना लोग जबान दे दी या वादा कर लिया, उस बारे में कह रहे कि मैं कॉल दे चुका हूँ, यानी मैं वादा कर चुका हूँ कि मैं अभी आ रहा हूँ, इसके खिलाफ नहीं कर सकता, यानी जो वादा किया है उसके खिलाफ नहीं जा सकता। ठीक है, ये कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहां चाहो ले चलो। ठीक है, यानी क्या कहा कि मैं अब आ गया हूँ, अब जहां ले जाना चाहो मुझे ले जाओ। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। ठीक है, अब सिपाही ने ही उसे भगा दिया। रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, यानी कि बहुत अच्छा, बेहतर माने अच्छा, तुमने इस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, क्या बोला कि अभी तुमने मेरी मदद की और जब तुम्हारे ऊपर अगर बुरा वक्त आएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। ठीक है, यानी कि आगे बढ़ा और गायब हो गया, यानी स्पीड में चला गया। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा, हमने सुना है रघुपत इधर आया है। ठीक है, यानी उसने क्या कहा कि रघुपत सिंह जो है वो इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। ठीक है, यानी क्या कहा कि वो अपने बीमार बेटे को देखने आया था, मजबूर था, इसलिए मैं मजबूर को नहीं पकड़ सकता। ठीक है, और इसलिए मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, उसे पकड़ लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। ठीक है, यानी रघुपत सिंह को भी सिपाही जो हुआ था, जिसने भगाया था, उसके कैद होने की खबर मिल गई। वो उसी वक्त वापस आया और आकर मुगल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा, मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो, यानी उस आदमी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को ना छोड़ा। ठीक है, यानी उसे पकड़ लिया और सिपाही को भी नहीं छोड़ा। अफसर ने दोनों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। ठीक है, यानी दोनों को कत्ल कर दो, यानी मारने का हुक्म दिया। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि इनको कत्ल किया जाए। ठीक है, यानी दोनों को लिया कि इनको मार दिया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा, ठीक है, किससे कहा, जल्लाद, जल्लाद किसे कहा जाता है, जो लोगों को फांसी देते हैं या मारते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़ों की टापू की आवाज आई। ठीक है, यानी कि घोड़े जो दौड़ते हुए आते हैं ना, उनकी आवाज आई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसर के साथ चला आ रहा है। सब ने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझे मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा, ठीक है, यानी ये बात बोली कि मुझे सारा हाल मालूम हो गया कि किस तरह से तुमने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। और फिर किससे कहा, पहरेदार से, जो उसका अपना सिपाही था, उससे कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरे का दुख देख कर पिघल जाता है। ठीक है, यानी जो इंसान अच्छा होता है उसका दिल जो है दूसरों के दुख को, यानी दूसरों के दर्द को, तकलीफ को नहीं देख सकता और वो पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था। ठीक है, भर आना यानी वही पिघल जाना, नम हो जाना, कि अरे ये तो बेचारा परेशानी में और मैं इसे कैद कर लूं, इसलिए तुमने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, इसीलिए तुमने उसको छोड़ दिया था, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, यानी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर कुछ है भी तो मैंने माफ किया, यानी अगर मान लो मैं कहते हैं लोग कि तुम्हारी कुछ गलती है तो उस गलती को मैंने माफ किया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही सिपाही जो पहरेदार था पहरेदार खुशी से फूला ना समाना भी एक मुहावरा है। ठीक है, ये जैसे ही उस सिपाही ने सुना
वो खुश हो गया कि मेरा बादशाह बहुत खुश है। फिर अकबर ने राजपूत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले ये मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। ठीक है, धनी होते यानी कि पक्के होते हैं कि जो बात उन्होंने कह दी वो पक्की है बस। ठीक है, तुम्हारी बहादुरी और एफआई वादा, ठीक है, यानी बहादुरी और एफआई वादा किसे कहा जाता है, वादा को पूरे करने वाला, जो इंसान वादों को पूरा करे, से मैं बहुत खुश हुआ। ठीक है, क्योंकि उसने दो वादे किए थे। नंबर वन ये कहा था कि मैं अंदर जा रहा हूँ, अभी वापस आता हूँ, ठीक है, तुम मुझे पकड़ लेना। और दूसरा वादा उसने ये किया था कि आज तुम मुझे छोड़ लो, मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम कभी परेशानी में होगे तो मैं तुम्हें बचाने आऊंगा, सिपाही से कहा था, है ना। दोनों वादे उसने सिपाही से कहे थे और दोनों उसने पूरे करे, तो बादशाह को वो सारी बातें तो मालूम हो गई थी। ठीक है, उसी का ही जिक्र है यहाँ पे। रघुपत सिंह घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। ठीक है, यानी आप उसको इतना लड़ झगड़ के जीतना चाह रहे थे और आप नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन आज आपने जो इस तरह की बात करी, दरिया दिली दिखाई, उससे आपने मुझे जीत लिया। आप बहादुरों की वक़्त कराना जानती हैं, अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार ना उठाऊंगा, यानी कि अब मैं कभी भी आपके खिलाफ तलवार नहीं उठाऊंगा। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों के दुख में मदद करते हैं, ठीक है, अब इन्होंने तीन चीजें बताई हैं, नंबर वन वादे का पक्का होना, नंबर टू सच्चाई, हमेशा सच बोलना, और नंबर तीन किसी की जो तकलीफ में हो उसकी मदद करना। ठीक है, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है, यानी कि जो दूसरों की मदद करता है खुदा हमेशा उसकी मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। फतेह, फतेह माने जीत, फौज कशी करना यानी हमला करना या फौज को भेज देना, ठीक है, चढ़ाई करना भी बोलते हैं। ठीक है, जरी, जरी माने जंगजू या बहादुर, वही जंग लड़ने वाला या बहादुर। कौल, कौल माने वादा, दरिया दिली फराख दिली, वही जो मतलब जैसे अभी इन्होंने छोड़ दिया उसको कहते हैं दरिया दिली। वक़्त, वक़्त कहते हैं इज्जत। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग। पहला सवाल है आपका, अकबर किस खानदान का बादशाह था, तो अकबर किस खानदान का बादशाह था, मुगल, ठीक है, मुगल खानदान का बादशाह था। दूसरा सवाल है आपका, राजपूतों के सरदार का नाम क्या था, ठीक है, जो राजपूतों का सरदार था उसका क्या नाम था और वो जंगल में क्यों छुप गया था। ठीक है, तो आप बता देंगे उसका क्या नाम था, राणा प्रताप सिंह नाम था, और वो लड़ाई में जब हारने लगा था, जब उसे कामयाबी नहीं मिली, इसलिए वो अपने बच्चों को, बीवी वगैरह को लेकर छुप गया जंगल में। रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की, ठीक है, तो रघुपत ने किस तरह मदद की, जब रघुपत घर से वापस आया और पहरेदार ने उसे जाने दिया, ठीक है, उसके बाद जब रघुपत को ये पता चला कि अकबर बादशाह की फौज ने उसको कैद कर लिया है, तो उसे वापस आके बताया कि मैं जो हूँ रघुपत हूँ और अब आप इसको छोड़ दें। ठीक है, अब आपका तीसरा चौथा सवाल है, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हो गया, ठीक है, अकबर जो है वो किस बात से मुतासिर हो गए थे कि जो वो था रघुपत वो भागा नहीं और उसने खुद आके मुगल जो मुगल अफसर थे उनके सामने अपने आप को दिखा दिया और अपनी गिरफ्तारी खुद करा ली। ठीक है, अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह से जीता, ठीक है, यानी अकबर ने अब रघुपत का दिल कैसे जीता, तो अकबर ने अपनी दरिया दिली दिखा के रघुपत का दिल जीता कि उसने सिपाही को भी छोड़ दिया और रघुपत को भी छोड़ दिया कि मैं ऐसे मतलब जो बेचारे लोग होते हैं जो तकलीफ में है उनको ऐसे नहीं पकड़ सकता। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे हुए लफ्जों से जुमले बनाएं। ठीक है, तो आपको सल्तनत, फौज, पहरेदार, तदबीर और कसूर बताया गया है, इनसे आपको जुमले बनाने हैं। ठीक, तो आप बता सकते हैं कि मुगलिया सल्तनत बहुत बड़ी थी, ठीक है, बहुत लंबे तक चली सल्तनत, या जो इसमें लिखे हैं आप वो भी लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी कुछ भी बना सकते हैं, या जो मैं बता रही हूँ वो भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, बस ये अल्फाज जो हैं वो उन जुमलों में आने चाहिए। ठीक है, फौज, तो अब आप इसमें जो लिखा है वो भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं फौज बहुत बहादुर होती है, या फौज में जो लोग होते हैं वो बहुत बहादुर होते हैं। पहरेदार, तो आप लिखेंगे अक्सर घरों के बाहर पहरेदार खड़े होते हैं। ठीक है, तदबीर, तो जैसे कोई मुश्किल सवाल था उसको हल करने के लिए मेरे दोस्त ने तदबीर बताई। कसूर, के हमें दूसरों का कसूर हमेशा माफ कर देना चाहिए। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब नीचे लिखे हुए अल्फाजों से खाली जगहों को भरें, तो आपको नीचे ही अल्फाज दिए गए हैं, दरवाजा, वादा, अकबर, सिपाही और रघुपत। ठीक है, तो अब आप इस तरह से इन्हें भर सकते हैं। पहले में क्या आएगा, अकबर बादशाह, ठीक है, अकबर बादशाह आ जाएगा ना। दूसरों में क्या आएगा, रघुपत। तीसरे में क्या आएगा, दरवाजे। चौथे में सिपाही और पांचवे में वादे। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन आता है,
नीचे लिखे हुए लफ्जों से वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बनाएं, ठीक है। यानी ये आप बुक में देखेंगे तो ये आपको अलग अलग दिए हुए होंगे, ठीक है। तो जो वाहिद दिए उनको आपको जमा बनाना है और जो जमा दिए उनके वाहिद बनाना है। अब जैसे मदद, मदद वाहिद है तो इसकी जमा क्या होगी, इमदाद। मुल्क, मुल्क की जमा क्या होगी, मुमालिक, ठीक है। सफर की क्या होगी, इसराफ। अफौज, अफौज क्या मतलब होता है, फौज, ठीक है। तदाबीर, तदबीर। तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे। नीचे लिखे हुए लफ्जों से मुजक्कर से मुअन्नस और मुअन्नस से मुजक्कर बनाएं, ठीक है। अब मुजक्कर मुअन्नस आप लोग को पता है, जो लेडीज होती है उन्हें क्या कहते हैं, मुअन्नस, और जो जेंट्स होते हैं उन्हें मुजक्कर, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। मुजक्कर में क्या आता है, बादशाह, तो बादशाह का क्या होगा, बेगम। घोड़ा, घोड़े का घोड़ी। लड़का, लड़के का लड़की, ठीक है। अब ये मुअन्नस में आपको दिए गए थे, इनके मुजक्कर बनाने हैं, तो आपके क्या हो जाएंगे, औरत, औरत का मर्द, और बेटी का बेटा, ठीक है। अब नीचे लिखे हुए, देखिए क्या लिखा है, नीचे लिखे हुए जो मुहावरे हैं इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको मुहावरे दे रखे हैं, पांव उखड़ना, ठीक है। पांव उखड़ना मतलब क्या होता है, कि हार जाना जब कामयाबी ना मिले, ठीक है। धराज बनना, धराज बनना कहते हैं तसल्ली आना, ठीक है। कॉल देना, कॉल देना यानी कि किसी को वादा देना, वादा करना। दिल भराना, दिल भराना का मतलब होता है कि मतलब नरम दिल का जो इंसान होता है उसको, उस किसी के ऊपर रहम आ जाना एक तरह से, ठीक है। दिल भराना, रहम आना, ठीक है। फूले ना समाना, ये खुशी के उसमें इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपको बहुत अच्छी चीज मिल गई तो आप फूले नहीं समाए, ठीक है। अब इसी तरह से नीचे आ जाते हैं, नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुतजाद लिखने हैं अब आपको। मुतजाद यानी कि उल्टे, ठीक है। तो सच्चाई का क्या होगा, झूठ, ठीक है। सच्चाई का क्या हो जाएगा, झूठ। फिर क्या है, बहादुर, बहादुर का क्या हो जाएगा, डरपोक। दुश्मन का क्या होगा, दोस्त। दुख का क्या होगा, सुख। कैद का क्या होगा, आजाद। और मोहब्बत का क्या होगा, नफरत, ठीक है। अब आपको नीचे लिखा हुआ है, इस्म खास और इस्म आम को अलग अलग कीजिए, ठीक है। अब आपको इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगी जिसमें मैं इस्म और इस्म के कितने अकसाम होते हैं इन सबके बारे में बताऊंगी आपको। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस्म खास उसको कहा जाता है जिसमें किसी खास चीज का नाम बताया जाए आपको, ठीक है। और इस्म आम उसे कहा जाता है जो आम हो। जैसे अब मैं कहूँ मैंने एक किताब पढ़ी, तो वो आम आ जाएगा कि एक किताब पढ़ी। अब आपको नहीं पता कि मैंने इंग्लिश की पढ़ी या हिंदी की पढ़ी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने उर्दू की किताब पढ़ी, तो वो इसमें खास में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें उर्दू का नाम लिया है, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए इसमें खास में क्या हो जाएगा, अकबर, ठीक है। क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम है, ये सबका नाम नहीं हो सकता। रघुपत, ये भी एक नाम है, ठीक है। और राजपुताना, ये भी नाम है, ठीक है। अब इसमें आम क्या हो सकता है, बादशाह। अब बादशाह तो कोई भी हो सकता है, अकबर बादशाह भी हो सकते हैं, जहांगीर बादशाह भी हो सकते हैं, कोई भी बादशाह हो सकते हैं। बहादुर, बहादुर तो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, है ना। बेटा, तो बेटे तो किसी का भी हो सकता है, दाग किसी का भी बेटा, ठीक है। घोड़ा, तो घोड़ा भी किसी का। तो इस तरह से जो आम चीजें होती हैं, जो सबके लिए इक्वल है, हमें नहीं पता चल रहा कि किसका है, वो आम कहलाती हैं। और जिसमें हमें पता चल रहा है कि हाँ ये इस पर्टिकुलर आदमी की या इस खास शख्स की बात की जा रही है या इस खास चीज की बात की जा रही है, उसे इसमें खास कहते हैं, ठीक है। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।